एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। घर खोल लीपने के लिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू का वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांधी है जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। अगर आप स्याहू माता से मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर स्याहू माता के पास चल पड़े। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और पड़ी। वहां उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो छोटी बहू से कहती है कि वो किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। छोटी बहू कहती है कि वो उसे स्याहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंख ने सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुन्दर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिनों में आई हो। और फिर उनसे कहती है कि मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब साहूकार की बहू उनकी जुएं निकाल देती हैं, जिससे स्याहू माता खुश हो जाती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। छोटी बहू बोलती है, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे। स्याहू माता पूछती है, क्या बात है। तब बहू बोली कि आप वचन दो तब मैं बताऊं क्या हुआ। माता वचन देती हैं, तब बहू बताती हैं कि आप ही ने मेरी कोख बांध रखी है जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, लेकिन अब तो मुझे खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों, तो घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहू थी। वो सभी को देखकर बहुत खुश हुई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन भी किया। उधर उसकी जेठानी आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर ले, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की आवाज नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देखो,
चाची अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने देखा तो वहाँ चाची कुछ मान रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को ये बात बताई। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी बोली, स्याहू माता ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे आपने उस पर कृपा करी, ऐसे ही आपकी पूजा पाठ करने वाले, इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो स्याहू माता की जय।